दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक आईफोन 6s है। तो ऐसे कोई और भी आईफोन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईफोन 6s का वाइब्रेटर वर्क नहीं कर रहा है तो उसे हम रिपेयर करने वाले हैं। किस तरीके से आप आईफोन किसी भी आईफोन में वाइब्रेटर का जो बटन होता है दोस्तों वो वर्क नहीं कर रहा, या फिर दोस्तों वर्क कर रहा है लेकिन सिस्टम में शो नहीं कर रहा, वाइब्रेशन ऑन नहीं हो रहा, साइलेंट नहीं हो रहा, तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये हमारे पास इसका पत्ता है दोस्तों, देख सकते हैं आप वाइब्रेटर का। इसे हम फिक्स करेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों कितने का ये पत्ता मिलता है, किस तरीके से आप इसे फिक्स कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो ये पत्ता है दोस्तों वॉल्यूम अप डाउन बटन के साथ ही इसका पत्ता रहता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आपके पास कोई और आईफोन है तो उसका पता कितने का आएगा सारा अगर आपको पता करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। इसकी स्क्रीन हमने निकाल दी है, इसकी अब बैटरी हम बाहर करेंगे और उसके बाद जो वाइब्रेटर का पत्ता होता है उसे हम चेंज करेंगे और साथ ही जानेंगे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये पत्ता चेंज करते टाइम, और आपको कैसे बाय करना है सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओरिजिनल आप बाय कर सकते हैं या कॉपी बाय कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा मैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये पत्ता फिक्स करते टाइम। दोस्तों ये तो 6s है, आप किसी भी आईफोन में 11, 12, 13, 7, 6, 8, 10 किसी में भी आप ये पत्ता चेंज कर सकते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों फ़ोन को ओपन कर लेते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन करने में से। तो ये डिस्प्ले हमने बाहर निकाल दी है, इसके बाद हम बैटरी को बाहर निकाल देंगे और आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की साइड इसका जो वॉल्यूम अप डाउन का पत्ता है हम उसे निकाल देंगे। काफ़ी दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, काफ़ी तसल्ली से ये काम करना है, क्योंकि अगर पॉइंट इधर उधर हो गया तो भी ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको इस साइड का सारा सेक्शन ओपन कर लेना है, क्योंकि जो वाइब्रेटर का बटन होता है दोस्तों वो यहीं साइड में फिक्स होता है, आप देख सकते हैं। ये आपको पूरा पत्ता ही निकालना होगा वॉल्यूम अप डाउन का। दोस्तों अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो फिक्स करने में, अगर आपके पास भी आईफोन है और आप वाइब्रेटर बटन वर्क नहीं कर रहा, आपको फिक्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम आपका कोशिश करेंगे हम आपके सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करें। और तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसके जो पेच हैं वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं, सबको आपको रिमूव करना है, निकाल देना है।
दोस्तों ये अगर आपको ग्लू नहीं निकल रहा तो आप फेलकोन डाल सकते हैं इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड चिपका रहता है। और ये दोस्तों हमारा न्यू पत्ता है, आप देख सकते हैं। इसी में दोस्तों वाइब्रेटर भी लगा रहता है, वॉल्यूम अप डाउन बटन में ही इसका वाइब्रेटर का पत्ता भी रहता है दोस्तों, अलग से नहीं लगेगा वो। तो इसमें ग्लू लगा हुआ आता है, आपको सिर्फ पन्नी निकालनी है और इसको फिक्स कर देना है। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टच डिस्प्ले फोल्डर मदरबोर्ड से रिलेटेड आपको प्राइस जानना हो या बाय करना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग मेरे को कमेंट में बोलते हैं सर आपकी इंस्टा आईडी बता दो, तो दोस्तों सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हमने फिक्स कर दिया है दोस्तों, देख लीजिए बटन पत्ता, वॉल्यूम अप डाउन का पत्ता, वाइब्रेशन का पत्ता, फ्लैक्स भी बोल देंगे इसे। इसी तरीके से दोस्तों आप सारे आईफोन को रिपेयर कर सकते हैं, वाइब्रेशन बटन को चेंज कर सकते हैं किसी भी आईफोन में, अगर वाइब्रेशन बटन वर्क नहीं कर रहा। तो ये फिक्स हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसका कनेक्टर लगा देते हैं अब हम। तो हमने ये फिक्स कर दिया है, अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। काफ़ी बार दोस्तों जो मार्केट से हम लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कभी वर्क करता है कभी नहीं करता, तो आपको चेक जरूर कर लेना है लगाने से पहले। पूरा फ़ोन पैक करने से पहले आपको चेक जरूर कर लेना है वाइब्रेटर ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आपको चेक जरूर कर लेना है। उसके बाद ही आप फोन को अच्छे से पैक कर लीजिए। तो ये डिस्प्ले के कनेक्टर दोस्तों लगा देते हैं हम। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस की, आपको एक मार्केट में कितने का पड़ेगा। दोस्तों ये आपको अगर आप लेने जाओगे इसे मार्केट में तो ये 250 से 300, 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में आपको ये पत्ता मिल जाएगा। और आपको, और दोस्तों अगर आपको हमसे भी
ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल रहता है। तो अब ये फ़ोन ओपन हो रहा है और इसे हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इसका पुराना पत्ता आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम फ़ोन ओपन हो गया है, अब हम इसे आपको चेक कराएंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं ये 100% वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी आईफोन में वाइब्रेटर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका वाइब्रेटर वर्क नहीं कर रहा, साइलेंट मोड में नहीं आ रहा, आपका फ़ोन रिंग मोड में नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से वाइब्रेटर का पत्ता चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन पत्ते में इसका वाइब्रेटर का पत्ता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो अपने चैनल पे रोज़ अपलोड करते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आपको पत्ते का रेट मैंने बता दिया है, 200 से 300 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।